खेल मंत्री जी हमारी बात सुनो, पीएम जी हमारी बात सुनो, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। तो पॉलिटिकल की कोई बात ही नहीं थी, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते, ना ही हमारा प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। कुशन शरण की अगर बात करें, उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने दो बारी उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है वो इनफ है, या आपकी एक डिमांड हमेशा रही है कि उनको अरेस्ट होना चाहिए? देखो, एफआईआर जिसकी 6-7 दिन बाद होती है, तो आपको लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी। बाकी जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली तो पॉक्सो एक्ट के तहत उससे गिरफ्तार होना चाहिए, देन कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जब वो अपने स्ट्रॉन्ग पद से हटेगा तभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, तब सब खुल के बता पाएंगे, वरना तो बहुत डरे हुए हैं। आपको जैसे पता है कि रेसलिंग में भी लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई है, तो बिल्कुल भी एनफ नहीं है। ठीक है, आप लोग जंतर मंतर वापस जाएंगे, कल आपने ट्वीट भी किया था ये कहते हुए कि आपका जो ये सत्याग्रह है वो जंतर मंतर से जारी रहेगा, महिलाएं पहलवानों की अब सुनी जानी चाहिए। प्रोटेस्ट देखो हाल फिलहाल के लिए तो अभी नहीं है, लेकिन यूँ भी नहीं है कि खत्म हो गया है, हमने स्टेप बैक कर लिया है। हमने कोई स्टेप बैक नहीं किया है, हम बस एक दो दिन का टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। कल पूरा दिन आपने जैसे देखा भी होगा, हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। बुरी तरीके से घसीटा गया है, पूरा दिन पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है, घसीट वसीटें भी आई हैं। तो अभी के लिए होल्ड पे है, जो भी होगा फिर आपको बता देंगे।